ये देखिए कैसे गली के ये बेसहारा डॉग्स, ये जानवर ऐसे सो रहे हैं। ये स्कूटी हमारी है जिस पे ये ब्लैक डॉग मदर और ये बाकी सारे पपीज सो रहे हैं, और इनको बचाने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए मेरी डेली मेरे पड़ोसियों से लड़ाई होती थी। वो कहते थे तुम इस जानवर से इतना प्यार क्यों करते हो, मंदिर में जाओ। मुझे समझ नहीं आया आज तक कि मंदिर की मूर्ति पे मैं जो वो खाना पानी वेस्ट करती हूँ, वो यदि मैं इनको देऊँ तो इनका एटलीस्ट पेट तो भरेगा, वहाँ तो नाली में ही जाता है। तो खैर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत केस हुआ, पुलिस तक का चक्कर हुआ। फाइनली इन बच्चों को मैं बचा पाई। इस माँ ने 6 बच्चे दिए थे जिसमें से 5 की डेथ हो गई, और वो भी गाड़ी के नीचे आ गए थे और ऐसा हुआ था। और इन ऑब्वियसली पड़ोसियों ने गाड़ी चलाई थी, अब जानबूझकर चलाई कि गलती से हो गई पता नहीं। वैसे भी बचपन में जब छोटे होते तो हमें समझ नहीं होती है। उसके बाद 2 बच्चे थे, ये वाला ब्राउन वाला कोने वाला, और ये 2 ब्राउन बच्चे थे। इन 2 ब्राउन में से भी एक को जब ये 5-6 महीने की हुई तो हमारा एक और पड़ोसी इसे सेकंड स्टॉप की लेक पे छोड़ आया, और मैं उस बच्चे को ढूंढने गई। 3 दिन तक ढूंढी, मुझे पपी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कौन सी गली, कौन सी कहाँ घुस गया ये, या बाकी किसी ने टेरिटोरियल जो जानवर होते हैं उन्होंने इस पर हमला कर दिया, मुझे आज तक नहीं पता। 7 साल हो गए हैं कि जिंदा है या मर गया है, लेकिन एक पपी बच्चा है मेरे पास। ये देखिए कैसे ज़िंदगी अपनी गुजारते थे, देखिए कैसे सड़क पर जीते थे। ये देखिए मैंने इनके लिए बोरी भी रखी थी सोने के लिए, ये भी किसी दुष्ट प्राणी ने इधर उधर फेंक दी। फिर मैंने फिर रखी, फिर फेंक दी। इनको डंडे से मारा, इनके खाना फेंक देते थे, इनका वाटर बाउल तोड़ देते थे, इनका फूड बाउल तोड़ देते थे। ये देखिए कैसे बेचारे सो रहे हैं। देखिए मेरे पास और भी फोटो वीडियो आप इसी चैनल पर देखेंगे तो इन बच्चों की मिल जाएंगी। देखिए ज़िंदगी देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए क्या है। मतलब ठीक है हमने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, हम इंसान बने और इंसान भी ऐसे बने जिसके पास घर कपड़ा पैसा खाना पानी सब है। कहीं तो कई इंसान ऐसे होते हैं जिनको वो भी नहीं मिलता है। तो हम अपने कर्मों के हिसाब से, अब क्या पता इन्होंने क्या कर्म किए जो गली का कुत्ता बने, बट हम अच्छा कर्म कर सकते हैं क्योंकि इंसान का काम है कि दूसरे का पेन हम कम करें। तो आज देखिए इनकी ज़िंदगी। ये वही डॉग है जो एक बच्चा था, एक पिल्ला ब्राउनी नाम है इसका, ये मेरे साथ रहती है। आज इसके पास ना सिर्फ घर बंगला गाड़ी, आज इसके पास अपना कार और अपना ड्राइवर भी है। ये देखिए ये उसकी माँ। ये दोनों बच्चे स्टेलाइज्ड हैं, स्टेलाइज्ड है मतलब ये इनका न्यूटर हो चुका है, स्प्रे हो चुका है एनिमल बर्थ कंट्रोल। अब ये और बच्चे नहीं देंगे क्योंकि, अब ये देखिए ये माँ बेटी, काली वाली माँ है चीकू, ये ब्राउन वाला बेटी है ब्राउनी। दोनों का नसबंदी हो चुकी है। ये देखिए कितने मस्ती से सो रहे हैं, और ऐसे खाते थे पहले कचरा में से खाना। तो आप भी अपने आसपास के डॉग्स को प्लीज़ अडॉप्ट कीजिए, ब्रीडर से मत खरीदिए। पापी मिल्स पेट स्टोर से, वहाँ जो माएँ होती हैं उनका ज़बरदस्ती रेप किया जाता है, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, उनसे बच्चे लिए जाते हैं, उन बच्चों को बेचा जाता है, फिर ऐसे ये काम रिपीट होता है। और जब वो बच्चे देने लायक नहीं रहती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है या फेंक दिया जाता है मरने के लिए। और बहुत दुख की बात है ये कि हम समझते नहीं हैं कि दोस्त बनाए जाते हैं, दोस्त खरीदे नहीं जाते। ये छुटंकू में इसके देखिए पैर पे चोट भी लगी हुई है। इसी टाइम पे हमने इसको रेस्क्यू किया था और घर पे अडॉप्ट कर पाए थे। बहुत स्ट्रगल रही थी। आप भी अपने आसपास के जो जानवर हैं उनको अडॉप्ट कीजिए, खरीदिए नहीं। किसी बेघर को घर मिल जाएगा,